दोस्तों, अगर आपके पास में मी का टीवी है, 4A, 4X, 4C, कोई सा भी मॉडल हो, और आप उसमें VLC प्लेयर का यूज़ करना चाह रहे हो, आपने VLC प्लेयर को कहीं ना कहीं से अगर इंस्टॉल कर लिया है और आपको प्रॉब्लम आ रही है फुल स्क्रीन की, कि आप जो है फुल स्क्रीन नहीं कर पा रहे हो अपने वीडियो को, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको यूज़ करना है आप VLC प्लेयर को, जिससे आपको फुल स्क्रीन का रेजोल्यूशन मिलेगा वीडियो का। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, VLC आप इंस्टॉल कहाँ से करोगे। इसका दो मेथड है। पहला मेथड ये है कि आप अपने टीवी के प्ले स्टोर से जाके सर्च करके यहाँ से आप कर सकते हो VLC प्लेयर को। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो है, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, आप वहाँ से भी APK फाइल इसका डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आप VLC प्लेयर को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेते हो या पेन ड्राइव के थ्रू आप APK फाइल इंस्टॉल कर लोगे, तो कुछ इस तरह से आपको मोर के अंदर में ऐप्स में दिख जाता है VLC प्लेयर। अब आपको क्या करना है, इसको जस्ट एक बार ओपन कर लेना है। तो कुछ इस तरह से ये फर्स्ट टाइम ओपन होता है VLC प्लेयर। यहाँ पर आपको कुछ परमिशंस बोलेगा अलाउ करने के लिए, आपने इसको अलाउ कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर मीडिया फाइल्स की भी परमिशंस वगैरह देना होता है, वो सभी आप यहाँ पर अलाउ कर दीजिए। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, कुछ एक वीडियो वगैरह प्ले करके। पहले तो बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑडियो की। तो यहाँ पर कुछ आपको ऑडियो की सेटिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आपके पेन ड्राइव में या फिर मूवीज़ में गाने वगैरह होंगे, तो यहाँ पर उनके सिंगर, आर्टिस्ट, एल्बम वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। फिर यह है यहाँ पर ब्राउजिंग। तो ब्राउजिंग के अंदर में क्या है कि आप कहाँ से, मतलब कौन से फाइल को कहाँ से आप जो है ब्राउज करना चाहते हो। जैसे अगर इंटरनल मेमोरी है टीवी की, तो वहाँ से, या फिर अगर आपका कोई एक्सटर्नल ड्राइव है तो वहाँ से, लोकल नेटवर्क से, या फिर आप कहीं से और करना चाहते हो तो। इसके बाद में अदर में एक ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आपको VLC की सेटिंग वगैरह मिल जाती है। तो सबसे पहले आपको सेटिंग में चले आना है, और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि आपके टीवी में फुल स्क्रीन नहीं हो रहा, तो यहाँ पर ऑटो स्क्रीन को आपने ऑन कर देना है। इसके बाद में जो है, यहाँ पर अगर आप वीडियो में जाओगे, तो यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे, तो यहाँ पर भी आपको देख लेना है जो मैं सेटिंग्स अभी यहाँ पर मेरे टीवी में आपको दिख रही है करंटली, आपने इन्हीं सभी सेटिंग्स को टिक कर लेना है। अगर आपके टीवी में कुछ दूसरी सेटिंग चल रही है, तो आपने यहाँ से उसको चेंज कर लेना है। अब चलिए मैं यहाँ पर आपको कुछ पहले प्ले करके दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपनी एक पेन ड्राइव को इंसर्ट किया है, और यहाँ पर मैं अभी आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये जो वीडियो है, इसको आप देखिएगा कि ये आपको फुल स्क्रीन दिखती है या नहीं। क्योंकि दोस्तों, वीडियो भी दो तरह की होती है, एक होती है फुल स्क्रीन और एक होती है साइड में ऊपर और नीचे में थोड़ा सा, मतलब छूटा हुआ हिस्सा होता है। चलिए मैं आपको यहाँ पर लाइव एक दिखा देता हूँ। एक वीडियो है, मैं इसको प्ले करता हूँ। आप देख सकते हो कि ये फुल स्क्रीन वीडियो जो है यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर किसी भी तरह का कुछ छूटा नहीं है, आप बिल्कुल देख लीजिए, यहाँ पर कुछ भी छूटा नहीं है, बिल्कुल ये फुल स्क्रीन में ये वीडियो चल रही है। मतलब किसी भी तरह की मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब मैं आपको एक दूसरी वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, जहाँ पर यह फुल स्क्रीन नहीं चलेगी, क्योंकि वीडियो ही ये ऐसी है। तो चलिए ये भी मैं आपको प्ले करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। दोस्तों, अगर अभी आप देख रहे हो, तो ऊपर और नीचे में थोड़ा सा वीडियो छूटा हुआ है, फुल स्क्रीन वीडियो नहीं चल रहा है। तो इससे आप जो है एक चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी जो वीडियो है वो भी फुल स्क्रीन या साइड में थोड़ी छोटी होगी, तो नहीं फुल स्क्रीन चलेगी। इसका अगर एक मैं टेक्निकल लैंग्वेज यूज करूँ, तो 16:9 का जो रेशियो होता है वो फुल स्क्रीन का होता है। तो अगर आपका जो भी वीडियो है 16:9 में है, तो आपको फुल स्क्रीन दिखेगी, अदरवाइज आपको फुल स्क्रीन नहीं दिखेगी। और बाकी यहाँ पर ऐसी कोई सेटिंग वगैरह नहीं है। हाँ, आप यहाँ से कुछ सेटिंग वगैरह देख सकते हो। वैसे मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका APK फाइल दे दे रहा हूँ, तो आप वहां से बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन जो है VLC का इंस्टॉल कर सकते हो अपने टीवी में, और आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप इस वीडियो की मदद से अपने मी टीवी में, या फिर अगर आपके पास में कोई दूसरा एंड्रॉयड टीवी है, तो उसमें भी आप VLC प्लेयर को यूज़ कर सकते हो, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। खास करके फुल स्क्रीन वाली जो प्रॉब्लम थी, वो यहाँ पर फिक्स हो गई है। अगर वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, कुछ ऐसे ही वीडियोज़ के अपडेट के लिए। तो बस दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगले वीडियो में।